हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फिफ्थ सेम सीरीज। और आपने प्रीवियस लेक्चर ने अंदर गया लेक्चर अंदर सिटी ने अंदर बात करी ली आपने आगर बराबर से कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट विषय ने वियोजन ने निश्चरावन विषय बात करी ली बराबर से। वह आगर नो अपने थियरी से कॉन्क्रीट विषय से क्योरिंग विषय ये कॉन्क्रीट नो क्योरिंग केवी रीते करवानु बराबर। सौथी पहले कॉन्क्रीटन क्योरिंग करव होना अंदर के रीते शू है कोना माटे यूज थे बराबर। आपने को वक्त आपने क्यूबन क्योरिंग करता होने पानी ने अंदर मुकता हो बराबर। अने अलग अलग एनी रीतो है मेथड से क्योरिंग के रीते थे बराबर। सौथी पहले क्योरिंग करव होने सीमित मे हाइड्रेशन दरमियान योग्य भेज अथवा तापमान जाराव पड़े अपन ने बराबर। जी सीमित संपूर्ण हाइड्रेशन जो हो कॉन्क्रीट ने पूरत सामर्थ्य ने टकावपण मजबूत आए ये प्राप्त करें बराबर से। क्योरिंग एट्ले कि सीमेंट जो हाइड्रेशन आए ये दरमियान जो भेज है ये जाव पड़े अपन तापमान संपूर्ण जो हाइड्रेशन है कॉन्क्रीट ने पूरत सामर्थ्य आपे एट टकावपण थे। और ये अलग अलग मेथड है क्योरिंग, एक तो सौ पहला वॉटर से क्योरिंग करव पड़े, मेम्बरीन क्योरिंग करव पड़े, वरान क्योरिंग होने बीज अलग अलग रीतों बराबर से। अब पानी थी क्योरिंग के रीते कर वॉटर क्योरिंग एट्ले क्या पद्धति में सौ पहला पानी उपयोग थे वॉटर क्योरिंग में तो हमेशा मोटा पगना जो कॉन्क्रीट कामों से आ रीते थे तब जो कि जितना भी कॉन्क्रीट पानी थी थे बराबर। ये सरल ओछो कॉस्टली होछो खर्चा हो बराबर है। वॉटर क्योरिंग ने अलग अलग पद्धति पास अंदर तो डूबाड़ी क्योरिंग थे जीत अपने क्यूब डूबाड़ी करता हो ओंडिंग करीने थे छटका हो छटका पे पानी छाटी रीते क्योरिंग भी थे भीना कापर ये तो कॉलम अपने अपना कॉलम बनाया हो बराबर। कॉलम नु काम पूर थे साइड पर ते वक्त आपने शू करें कापड़ ढाँकी ने का तो एवं ठेला आए थे का तो एवं अपने ये रीते आए अंदर पानी अंदर कॉलम ने ढाँकी अपने क्योरिंग करता हो बराबर से। पहली जो मेथड है अपनी प्रिस्कार्स कॉन्क्रीट आइटम जी रीते कॉन्क्रीट आ तो ब्लॉक होय कॉन्क्रीटना पॉल होय टाइल्स होय वगैरह पानी डूबाड़ी ने थाय ए जे शू ब्लॉक जेवा होय मैं तमने कीधुं ने कि तमारा क्यूब छे ब्लॉक होय बराबर ए आइटम ने डूबाड़ी ने थाय ए क्योरिंग। का तो रोडना स्लेब छे छतना स्लेब होय ए शू पानी भरी एटले पॉन्डिंग करीने थाय बराबर पानी भरी देवानुं अंदर। का तो रिटर्निंग वॉल छे कॉलम छे दीवाल छे एने शू छटकाव करीने थाय। बाकी घनीवार छे ने भीनी दीवाल कंतानी ठेलो होय सनु कापर होय एने आपने ऊपरी सपाटी पर कॉलम ढाँकी ने करिए ने ए रीते थे। तो पहलो मुद्दों के रीते पिस्कास कॉन्क्रीट जो आइटम ब्लॉक हो आपनो टाइल्स होने डूबाड़ी करव पड़े बराबर से। बीजों स्लेब हो रोडना छतना स्लेब होने पानी ने ओंडिंग कर भरी ने का तो दीवाल हो रिटेनिंग वॉल हो दीवाल कॉलम की दीवाल हो बराबर पानी छटकाव कर पानी छाटी अने का तो एवं हो तो तमारो कॉलम हो बराबर से एने भीनी कंतान करें कद एवं थैली अंदर कद एवं कापड़ हो शन हो सूतराव कापड़ एने ऊबी सपाटी पर मूक ढाँकी देवा रीते भी आपू आ रीते पहले जो पॉइंट है आपनों वॉटर क्योरिंग आ रीते थे। चार चीज चार मेथड थी एने अंदर चार पद्धति हो बेटा डूबाड़ी ने थाय बॉन्डिंग कर छटकाव कर भीना कापड़ थी ओके। हवे आगर तमने बताऊं बीजी कई मेथड छे आपना पासे बीजे मेम्बरीन बराबर छे। मेम्बरीन विषे आपणे वात करीए केवी रीते करे बीजा पानीनी तीव्र अछत होय त्यां बराबर छे। पानीनी तीव्र ज्यां अछत होय त्यां आ पद्धति वपराय मेम्बरीन क्योरिंग ओछू होय क्योरिंगनी अंदरनुं मिश्र करवामां आवे ज्यां पानी आवेल होय तो सीमेंटनुं हाइड्रेशन माटे पूरतुं होय छे ये सपाटीनू पर पानी जो बाष्पीभवन है ये रोकवा सपाटी ने अपारगम्यता एट कि इम्प्रेवस फिल्म थी ढाँकी देवाय ज्या पानी ने छत हो पद्धति वपराय मेम्बरीन क्योरी ये कॉन्क्रीट ने अंदर मिश्र करवामां आवे बराबर छे हाइड्रेशन माटे पूरतुं होय कॉन्क्रीट की सपाटी पर पानी बाष्पीभवन रोकवा आपने अपारगम्यता करवी पड़े बराबर है। ढाँकी देवानुं एक बे दिवस वॉटर क्योरिंग कर बाद मेम्बरीन अमुक एवं हो सत्ताईस दिवस करव पड़े अमुक एक बे दिवस अपन
लाभ माटे निवड़े छे, बराबर छे। ए सरळताथी पहोंची ना शकाय तेनुं सुपरविजन शक्य न होय तेवा मेम्बरिंगने क्योरिंगथी आपुं जणाय ना, बराबर। जेथी पॉलिथीन छे, बराबर, पॉलिस्टर छे, पॉलिस्टर फिल्म छे, वॉटरप्रूफ पेपर छे, पेपर पेपर छे, रबर कम्पाउंड छे, बराबर छे। आ रीते बिटुमिन कम्पाउंड छे, एना अंदर गरमीनुं शोषण करवुं पड़े અને રોકવા માટે આ કામ લાગે। આપના માટે બે ક્યોરિંગ કરવાના છે, મેમ્બરિંગ ક્યોરિંગ અને વોટર ક્યોરિંગ, બરાબર છે। બાકી અન્ય રીતોમાં તો આવશે ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશન, ઇલેક્ટ્રિકલ ક્યોરિંગ, કેલ્શિયમ ક્લોરિંગ, ક્લોરાઇડનો ઉપયોગ થાય ફ્રોમવર્ક કોન્ક્રીટના કામને છાયરો આપવા માટે, બરાબર છે। અન્ય રીતો અલગ અલગ છે, બરાબર છે। બાકી આપને આમાં અંદર પૂછાય તો બે ત્રણ રીત લખાય, चार मार्क्स में पूछा है तो, बराबर है। एक तो वॉटर क्योरिंग, मेम्बरिंग क्योरिंग, अन्य रीतों में लखी नाख, बराबर है। बाकी नाम बधाने लखवा पड़े तमें, बराबर है। अलग अलग क्योरिंग जैसे अपने वॉटर क्योरिंग, मेम्बरिंग क्योरिंग, वरानु क्योरिंग, हाई प्रेशर, बराबर है। अने लास्ट में अन्य रीतों, तो आ क्वेश्चन तमारा माटे बेटा इम्पोर्टंट है। घनी वार आपनो पूछायेलो छे, आपणे तमने बतायुं, मैं लगभग तमे जो छ थी सात वार पूछायेलो छे के क्योरिंग કોન્ક્રીટનું ક્યોરિંગ એટલે શું, અથવા એવું કહે કે ક્યોરિંગની પદ્ધતિઓ સમજાવો, બરાબર છે। બે વ્યાખ્યા સાથે આપણે આ મેથડ પૂછી શકાય છે, બરાબર છે બેટા। એક બે વાર લખશો આ તો તમને ઇઝીલી યાદ રહેશે કે તમે ક્યોરિંગ આપણે કોન્ક્રીટના અંદર કરતા હોય છે, આ તો આપણે જ્યારે બી કામ કરતા હોય આ જ કામ થાય છે, બરાબર છે। કે ભાઈ બ્લોક છે આપણા પાસે, કોન્ક્રીટનો પોલ છે, ટાઇલ્સ છે, અને ડૂબાડ્યા વગર થાય ના ક્યોરિંગ પાસે કદાચ સ્લેબ હોય, સ્લેબ આપણે ભરાઈ કરી હોય, છતના સ્લેબ હોય, તેની અંદર પાણી ભરી નાખવાનું એટલે પોન્ડિંગ કરીને થાય, પાણી ભરી દેવું પડે। પછી તમે કોઈ દિવાલ જોઈ છે, કાં તો કોલમની કોઈ એવી દિવાલ હશે તો તેને આપણે પાણી છાંટવું પડે, બરાબર છે। અને ઘણીવાર તમે જો ભીની કંતાન હોય એ કોલમનો ઉપર લગાડવામાં આવે છે, ઢાંકી દેવાની ટૂંકમાં, બરાબર છે। આ રીતે એનું બી થાય છે, ટૂંકમાં એની ચાર અલગ અલગ રીતથી થાય છે, બરાબર, કે ભીના કાપડ ઢાંકીને થાય, છટકાવ કરીને થાય, સ્પ્રે જેવું પોન્ડિંગ કરીને ભરી દે એટલે ડૂબાડી નહીં થાય, બરાબર છે। એવું તો ક્યુબ હોય એને ડૂબાડવા પડે, બરાબર છે। એટલે આ રીતે ચાર મેથડ છે, બરાબર। આ થિયરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક બે થિયરી બાકી છે, બાકી ફર્સ્ટ એસાઇનમેન્ટ જો તમને એક બે દિવસમાં આપી દઈશ, એ લખી નાખવાનું, જેટલી મેં થિયરી કરાવું છું કરી નાખજો। બાકી કોઈ થિયરી એવી હોય તમને લાઈક પૂછાય એવી તમે વધારે કરજો, તમને ઇઝીલી રહેશે। ઓકે, થેન્ક યુ બેટા।